दिल्ली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में हो रहे उपचुनाव सियासी दलों के लिए नाक और साक का सवाल बना हुआ है। है उपचुनाव, लेकिन लग रहा है कि जैसे आम चुनाव या विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। बयानों का बेपरवाह बहाव हो रहा है और सियासतदानों के गांडियों से छूट रहे हैं शब्द बाढ़। निशाना कहीं पर व्यक्तिगत होता है तो कहीं पर दलगत। तमाम ऐसे बयान हैं जो इस समय तैर रहे हैं। क्या है वो बयान, किन बयानों पर मचा है घमासान, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। ऐसा झूले बिठाएंगे, जब छोड़ देंगे तो कहां गिरेंगे जाके, हमें पता ही नहीं है। बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आसन खा से बाहर निकलना भी है। हो सकता है चाचा और भतीजे जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों की जेल में ही जिंदगी बीते। प्रदेश में उपचुनाव की सियासी बिसात पर शह और मात का खेल चल रहा है, लेकिन इस खेल में प्यादे चाल के साथ साथ मौखिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। बयानों से एक दूसरे को मोहरा बनाया जा रहा है। मैनपुरी में शिवपाल बयान वीर बने हुए हैं तो रामपुर में बयानों के आजम हैं। अखिलेश लेश मात्र भी पीछे नहीं हट रहे हैं और केशव उन्हें जवाबी प्रसाद दे रहे हैं। सियासी बिसात में फुटबॉल गोल और भौतिक विज्ञान तक की एंट्री हुई है। मैनपुरी के करहल में सीएम योगी रैली करने पहुंचे। करहल जहां से अखिलेश यादव विधायक हैं, यानी अखिलेश के गढ़ में सीएम योगी ने हुंकार भरी और चाचा भतीजे के मिलाप पर तंज कसते हुए शिवपाल को पेंडुलम बता दिया। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। पेंडुलम के जवाब में फुटबॉल और फिजिक्स मैदान में आ गई। अखिलेश ने जवाब देते हुए कहा कि सीएम योगी ने फिजिक्स नहीं पढ़ी तो पेंडुलम के बारे में क्या जानकारी होगी, और ये पेंडुलम झूला झूला देगा, तो शिवपाल ने गोल दाग दिया। हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे, पता नहीं लगेगा कहां जा रहे हैं। पेंडुलम जो है ये तो चलता है, ये जो झूला है झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है। वो चाचा को समझ ही नहीं पाए, ऐसा झूले बिठाएंगे जब छोड़ देंगे तो कहां गिरेंगे जाके, हमें पता ही नहीं है। देखिए पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। और देखिए जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है, तो अब गोल ही होने वाला है डिंपल का। उधर रामपुर में बयानों के आजम अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है। उनके बयान साबित कर रहे हैं कि वो विवादित बयानों के आजम थे और रहेंगे। पहले मां बच्चे वाला विवादित बयान दिया जिस पर मुकदमा तक दर्ज हो चुका है, तो बीते कल अखिलेश की सभा में पुलिस और प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, चार सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आसन खा से बाहर निकलना भी है। रामपुर में आसिम रजा के लिए सभा कर रहे अखिलेश यादव का बयान एक बार फिर चर्चा में आया जब उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को सीएम बनने का ऑफर दे डाला।
ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं, वो दोनों शक्ल में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आनंद खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है, एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं, हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ, हम लोग इंतजार ही करना चाहते। अखिलेश के इस ऑफर को केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट पर नकार दिया और अखिलेश पर पलटवार भी किया। वहीं चुनावी बयानबाजी की इस रस्साकसी में एक बार फिर शिवपाल सामने आए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस से बचने की सलाह दे डाली। शिवपाल ने कहा कि गुंडई बर्दाश्त कर लेना, लेकिन पुलिस की पकड़ में मत आना। सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, हम अपने सभी जनता से कहता हूँ, कभी जोर जबरदस्ती कहीं नहीं करना, अपना आधार कार्ड रखना, अपना आधार कार्ड रखना, आईडी रखना और लाइन लगा करके, और कोई भी गाली दे, कोई भी झगड़ा करे, आप बचाने भी मत जाना, आप बचाने भी नहीं जाना, अगर बचाने गए मिलके झगड़ा कराएंगे उनका कुछ नहीं होगा, आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी आपके, और फिर कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुंडाई की है। आप बंद हो जाएंगे, इसलिए सावधान रहना, अगर पुलिस बुलाए तो जाना नहीं, पुलिस की पकड़ में भी मत आना, अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं भी। जसवंत नगर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले कि अखिलेश के चाचा शिवपाल की सुरक्षा हटने के साथ ही बिलबिलाने लगे हैं। अभी तो गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच चल रही है, दोषी मिले तो हो सकता है चाचा भतीजे जेल चले जाएं। श्री अखिलेश यादव जी की जमीन तो खिसक ही चुकी है, लेकिन श्री शिवपाल यादव जी अपने को जसवंत नगर का इटावा का मिनी मुख्यमंत्री बताते थे। सुरक्षा हट गई, बिलबिला रहे हैं, और अभी मैं बताना चाहता हूं जैसे अभी तो जांच चल रही है, हो सकता है चाचा और भतीजे जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों की जेल में ही जिंदगी बीते। यहां जिला पंचायत में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार, मैं कहना चाहता हूं इस मंच से एक एक भ्रष्टाचार की जांच कराऊंगा, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। फिलहाल अभी चुनावी सरगर्मियां जारी हैं, सभाएं जारी हैं, यानी अभी और भी ऐसे बयान आने की संभावना प्रबल है। 5 दिसंबर को इन सीटों पर वोटिंग है, 8 को नतीजे आएंगे जो बताएंगे कि कौन कितना बड़ा बयान वीर बन के उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।